हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे किचन में। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो है घाटी कोचूर दम। बेसिकली ये बंगाली रेसिपी है, बहुत ही यम्मी और बहुत। आइए चलिए देखते हैं हम कैसे बनता है ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यहाँ पे मैंने घाटी कोचू लिया है जिसको मैंने दो पीसेस में कट किए हैं और अच्छे से उसकी स्किन्स भी मैंने निकाल ली हैं। अब मैं यहाँ पे एक चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, उसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी, पानी ऐड करके इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। देखिए ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसे साइड पे रख देंगे हम 5 मिनट के लिए पानी निकाल के। तो यहाँ पे 2 टमाटर, 1 पोटैटो और 1/2 स्लाइसेस ऑनियंस और 1 छोटा सा जिंजर। तो मैं ये पूरा ही कुकर में करने वाली हूँ कुक। तो एक कुकर लिया है जिसमें हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल यहाँ पे गरम हो चुका है तो मैं 1 चम्मच जीरा ऐड कर दूँगी। जीरा के साथ मैं 2 टुकड़े दालचीनी के भी डाल दूँगी। अब हमें यहाँ पे ऑनियंस को भी ऐड कर देना है। ध्यान रखिए ऑनियंस को हमें ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, उसको हम ट्रांसपेरेंट आने तक का ही फ्राई करेंगे। अब हमें जिंजर को भी ऐड कर देना है। अदरक को भी हम ऑनियन के साथ ही फ्राई करेंगे। कोचू को भी ऐड कर देना है, कोचू को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आलू को भी हम ऐड कर लेंगे। अभी यहाँ पे टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 चम्मच हल्दी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हल्दी अच्छे से मिक्स हो गया है, आलू और हमारा कोचू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, उसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑयल निकलना शुरू हो गया है, हमें तब तक फ्राई करना है इसको जब तक ऑयल ना निकल आए। अब यहाँ पे मैं दूसरा 1 टमाटर ऐड कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच जितना कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ।
अब हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं करीब एक दो ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। करीब एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सूखी लाल मिर्च और कुछ गुड़ ऐड कर दूंगी। फिर हम इसे ढक देंगे करीब 4 सीटी आने तक। अब हम कुकर खोल के देखेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, बहुत ही कलरफुल लग रहा है, बहुत यमी लग रहा है। हमारा घाटी कोचूर दम बनकर रेडी है। आप इसे गरम गरम राइस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। और हाँ, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।